हेलो एवरीवन. सो इन द टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की. अब देखिए लास्ट क्लास में जो है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट. एंड इन द टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, अब और रादर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, राइट. सो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ mature sperm. So you know it is a structure of mature sperm we will talk about. अब देखिए जब हम इस mature sperm के structure की complete बात करेंगे तो यहां पर आप हमारे पास क्या क्या part है, और rather हम sperm को, let me write about it first. जब हम sperm की बात करते हैं तो sperm को हम लोग चार parts में divide कर सकते हैं. और बिफोर दैट यू शुड नो कि स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है. सो स्पर्म इट इज अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है. स्पर्म एक फ्लैजिलेटेड सेल है, मतलब इसमें फ्लैजिला है, तो इट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल, राइट. व्हाई इट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल? बिकॉज इट इज अ फ्लैजिला, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, ठीक है. सो स्पर्म इट इज अ हैप्लॉइड सेल, इट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल, राइट, ध्यान रखेंगे. थर्ड पॉइंट विच इज अगेन यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस, दैट इट इज मोटाइल. तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म मोटाइल है, मीन्स स्पर्म शोज मोटैलिटी. ये वाली बात भी जो आपको ध्यान रखनी है कि स्पर्म क्या शो करता है, मोटैलिटी शो करता है. क्या शो करता है? मोटैलिटी, ध्यान रखना है स्पर्म के बारे में, राइट. तो स्पर्म ऑल्सो शोज मोटैलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, तो हम स्पर्म को किन किन पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं. तो स्पर्म को जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं हेड रीजन में. वी कैन ऑल्सो डिवाइड द स्पर्म इनटू एज यू नो नेक. एक यू नो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है स्पर्म में, दैट इज नेक. देन वील टॉक अबाउट द मिडल पीस एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्पर्म वी विल टॉक अबाउट द टेल रीजन. तो जो हम लोग टेल रीजन की यहां पर बात जो है कर सकते हैं. लेट अस सी ऑल द स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर और दीज पॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर. अब आप ये जो ये पूरा का पूरा यहां पर जो है ना पॉइंट देख पा रहे हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज हेड. ये हेड है. अब हेड के इंटीरियर मोस्ट पार्ट में, इन द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड व्हाट वी हैव, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली एक्रोसोम. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम. इस पार्ट को हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है. ये वाली बात ध्यान रखनी है. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं. विल राइट अबाउट द एक्रोसोम दैट यू नीड टू नो. अभी जो आपको पता होना चाहिए वो ये वाली बात है कि एक्रोसोम में इट हैज एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स है ना एक्रोसोम के, इन्हें हम लोग स्पर्म लाइसिन बोलते हैं. सो इन एंजाइम्स को स्पर्म लाइसिन कहा जाता है. हम लोग जो है आगे एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो जब हम लोग एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस टाइम वी विल रियलाइज कि जो स्पर्म लाइसिन है क्या करते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज टुगेदर कॉल्ड स्पर्म लाइसिन. ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है. एक्रोसोम जो है इंटीरियर मोस्ट पार्ट में होता है. अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्रोसोम इज दैट एक्रोसोम इट इज अ मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी. तो गोल्जी बॉडी का जो है ये गोल्जी बॉडी का बना हुआ होता है. तो गोल्जी बॉडी का कुछ पार्ट जो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाकी पार्ट है वो खत्म हो जाता है. So it is a modified Golgi body. है ना, it is modified Golgi body. ये जो acrosome है modified Golgi body है. क्या है? modified Golgi body. ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे. And below to that what we have another structure, this is called nucleus. अब ये वाला जो part है इसको हम लोग nucleus बोल रहे हैं, right? Nucleus यहां पर pointed structure है. तो nucleus यहां pointed होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे. स्पर्म के केस में न्यूक्लियस पॉइंटेड, आई विल राइट अबाउट इट. एंड जस्ट बिलो टू द न्यूक्लियस यहां कॉन्स्ट्रक्शन दिख रही है आपको, एक सेंट्रियोल है. क्योंकि फर्स्ट सेंट्रियोल है, दैट इज व्हाई हम इसको बोलते हैं प्राइमरी और रादर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. एंड इसके जस्ट बाहर, इसके जस्ट नीचे की तरफ यहां पर नेक रीजन में एक दूसरा सेंट्रियोल मिलता है. एंड दिस सेंट्रियोल इट इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल. इस सेंट्रियोल को हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं. So this is actually called as distal centriol, right? This centriol is called as distal centriol. ये वाली बात भी important है, ध्यान रखनी है. अब distal centriol से कुछ fibers arise होते हैं. These fibers together called as
दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। तो जो फाइबर यहां से अराइज हो रहे हैं, इन फाइबर्स को हम लोग एक्सियल फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट्स, ध्यान रखेंगे। सो दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर व्हाट दे आर कमिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सियल फिलामेंट, राइट एवरीवन? ओके, लेट्स नाउ गो अहेड एंड लेट्स टॉक। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज मिडल पीस। इस पार्ट को मिडल पीस बोलते हैं। अब इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलती है। तो रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना यहां प्रेजेंट है, तो इट इज अ रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट। राइट, इट इज अ रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और इसे हम लोग नेबर्न कर्न कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नेबर्न कर्न आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, सो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो पार्ट है पूरा, ऑफकोर्स जहां ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज मिडल पीस या मिडल पार्ट हम इसको बोल देते हैं। तो वी कैन लेबल दिस ऑल्सो, दिस इज अ मिडल पार्ट और मिडल पीस। देन ये जो अब लास्ट का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेल, इसे हम लोग टेल बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल? तो टेल का फंक्शन है कि स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, तो स्पर्म की मोर्टैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रादर। एंड ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इट इज कवर्ड बाय समथिंग व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां दो मेम्ब्रेन्स की हम लोग और बात करेंगे। दिस एक्रोसोम एंड हाफ ऑफ द न्यूक्लियस इट इज कवर्ड बाय सम अदर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज गेलिया। सो दिस मेम्ब्रेन नाउ लेबलिंग हियर, दिस इज कॉल्ड एज गेलिया एंड द लोअर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस टिल द यू नो मिडल पीस इट इज कवर्ड बाय सम अदर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड मेंचेटे। तो अब ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज मेंचेटे। So, ये यहां पर दो मेम्ब्रेन्स हैं एंड दिस इज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रल का काम क्या है, देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए हेड में एक्रोसोम है, एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स निकालता है, मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी है एंड न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियस कंडेंस्ड है। अब कंडेंस्ड का मतलब होता है इस न्यूक्लियस में से जो है आरएनए प्लस एसिडिक प्रोटीन प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला जो पोर्शन है ये एब्सेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए या फिर एसिडिक प्रोटीन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, करेक्ट, इतना ध्यान रखना है। तो वी हैव दिस न्यूक्लियस, राइट? तो ये न्यूक्लियस है, यहां ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कंडेंस्ड होता है, ये विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म का है एंड दिस न्यूक्लियस इट एक्चुअली कैरीज जेनेटिक मटेरियल। ये न्यूक्लियस क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, तो इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लियस ही जो है ना जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा, एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब डीएनए। अब देखिए स्पर्म जो है क्या कंट्रीब्यूट करता है, स्पर्म अपना न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करेगा एग को प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एग के अंदर अपना सेंट्रियोल नहीं होता, तो जो क्लीवेज होना है उसके लिए सेंट्रियोल रिक्वायरमेंट है। मतलब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म से ही ट्रांसफर होगा और इसी की मदद से जो है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। यू कैन सी हियर द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड हियर वी हैव द डिस्टल सेंट्रियोल, राइट? डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट अराइज होता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सीमेन, दैट व्हाट इज सीमेन। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सीमेन, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सीमेन आर द फॉलोइंग थिंग्स। अब देखिए सीमेन किसकी कंपोजिशन है, तो सीमेन इज स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा प्लस सेमिनल प्लाज्मा। अब देखिए सेमिनल प्लाज्मा में होता क्या है,
समानल प्लाज्मा में एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द समानल प्लाज्मा सो व्हाट वी हैव इन द समानल प्लाज्मा इन द समानल प्लाज्मा दिस इज इंपॉर्टेंट वी हैव द प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस व्हाट एल्स वी हैव सो अलोंग विद द प्रोस्टेटिक फ्लूइड वी हैव काउपर्स फ्लूइड प्लस वी हैव समानल वेसिकल फ्लूइड We have seminal vesicle fluid. तो हमारे पास ये जो है ये seminal plasma इसको हम बोलते हैं sperm total जो है 10% contribute करते हैं semen को right and बाकी जो composition है जिसमें prosthetic fluid है that is also contribute 10% Cowper's fluid भी जो है वो 10% होता है and seminal fluid जो है maximum होता है that is 70% जो है ये contribution होता है seminal vesicle का ये वाली बात again बहुत important है ध्यान रखनी है ठीक है चलिए जी इसके अलावा आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि देखिए अब जो स्पर्म है अब टोटल सीमन में जो स्पर्म काउंट होता है दैट इज अराउंड 200 मिलियन टू 300 मिलियन ये स्पर्म काउंट जो है वो 200 से 300 मिलियन तक होता है ये वाली बात ध्यान रखनी है इसके अलावा व्हाट एल्स यू नीड टू नो पर इजैक्यूलेशन अब ये पर इजैक्यूलेशन है अब पर इजैक्यूलेशन का वॉल्यूम कितना है पर इजैक्यूलेशन में अराउंड अराउंड जो वॉल्यूम है सीमेन का दैट इज 2.5 ml से 5 ml तक हो सकता है तो 2.5 ml टू 5 ml तक जो है वॉल्यूम होता है ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है पीएच की अगर हम बात करें सीमेन का व्हाट इज द पीएच इफ आई टॉक अबाउट से सो द पीएच ऑफ द सीमेन लेट्स मी टेक अनदर कलर सो द पीएच ऑफ द सीमेन इज 7.2 टू 7.4 और रादर इट मे एक्सटेंड अप टू 7.6 एंड 8 एज वेल So this is the pH. ये सीमन का pH है. If you can recall, so ये जो सारे secretions हैं, लगभग ये सभी जो हैं alkaline secretions थे. If you can recall, because all of these secretions were alkaline, right? So ये वाली बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है. Let me check. अगर या कोई content hide नहीं हो रहा, so this is important thing about the semen. एक और चीज़ ध्यान रखनी है. देखिए किसी भी fertile व्यक्ति के लिए, अब जो भी ejaculation है, जो भी sperm count है, so for a fertile person. किसी भी फर्टाइल व्यक्ति के लिए एक बात जो है ये जरूरी है कि जो उसका टोटल स्पर्म काउंट है उसका कम से कम भी मोर देन एटलीस्ट रादर नॉट मोर देन इवन एटलीस्ट 60% जो स्पर्म है इनकी सही मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए सही मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म दे मस्ट हैव व्हाट आई एम सेइंग At least 60% of the sperm, they have the, right morphology. Means, unki shape and size and so, ye bilkul sahi hona chahiye. So that should be right morphology. And is 60% ka bhi, lagbhag 40% jo hai, of sperm ke paas, high mortality honi chahiye. Should show vigorous mortality. मतलब बहुत ज्यादा मोटाइल होने चाहिए वो मतलब मैक्सिमम मोटैलिटी सो दैट दे कैन रीच द एग अब देखिए जब हम लोग बात करेंगे ना डिटेल में फर्टिलाइजेशन का तो हम वहां कुछ बैरियर्स की भी बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे बैरियर होते हैं जो स्पर्म को रोकते हैं सो गाइस दैट इज अ डिस्कशन ऑन द स्पर्म आपको पता होना चाहिए मैं रिपीट कर देता हूं एक फर्टाइल व्यक्ति के लिए उसके टोटल स्पर्म काउंट का 60% जो स्पर्म है वो सही होना चाहिए मतलब स्ट्रक्चर उसका हेड भी उसका मिडल पीस भी उसकी टेल भी ताकि वो मूव कर सके और इस 60% में से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी मोर्टैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है किसी भी फर्टाइल व्यक्ति के लिए जरूरी है जब फोर्थ चैप्टर हम लोग बात करेंगे तो इनफर्टिलिटी के रीजंस में हम इन्हें भी कंक्लूड करेंगे चलिए सो दैट वाज अ डिस्कशन ऑन द स्पर्म द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द सीमेन सो होप यू लाइक दैट द थिंग्स एवरीवन थैंक यू वेरी मच टू व्यू अदर लेक्चर्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन काइंडली विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू